डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोट। जैसा कि आपको पता है, कोरोना फेज चल रही है। गवर्नमेंट बार बार कहती है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो आप भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के अब तक आदि हो चुके होंगे। और इसको जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक अपना है, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट करिए वही करें, कि वहाँ कई सारे साइंटिस्ट इस बीमारी पर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे वो कहें वैसे ही इससे बचा जाए। तो इसी वजह से हमने क्लास टीचिंग के बजाय वीडियो का, जैसा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, उस तरह का हम कर रहे हैं। और आप भी कोशिश करें कि इस तरह से पढ़ें। अब तक हम सिलेबस की 4 यूनिट करा चुके हैं, अभी हम 5 यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फॉसिलाइजेशन शुरू में लेंगे। तो आप बाकी यूनिट का रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में, पेपर में आपके दिक्कत ना रहे, और इनको पढ़ते रहें। इस तरह का पढ़ाई का तरीका है, उसको अपनाएं। तो ये 5 यूनिट है, जिसमें हम लोग फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मीकरण लेंगे, कि कैसे जीवाश्म बनते हैं। इस तरह से पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर अपन रहते हैं। ये मैप की सहायता से बताने की कोशिश करी गई है कि ये पृथ्वी है और इसकी सतह पर हम लोग रह रहे हैं। और इस तरह की ये अवस्था है पृथ्वी की। एक मूवी देखेंगे आप डायनासोर पे, तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, कैसे जीव उत्पन्न रहे और क्या उसके इफेक्ट रहे। मूवी देखी भी होगी आपने। डायनासोर भी बताया गया इस मूवी में, कितना बड़ा होता है ये, किस तरह से अगर ये होता तो इस तरह की प्रलय टाइप की स्थिति उस पर्टिकुलर एरिया में। उनके फॉसिल उस एरिया में मिले हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं फॉसिल की संरचना कैसी होगी। और लेकिन उनकी साइज से आप उसकी भयावहता का अंदाज लगा सकते हैं। बेसिकली ये मूवी है, लेकिन कोशिश करी गई डायरेक्टर ने इसको दिखाने की कि किस तरह की ऑर्गेनिज्म थे और क्या इस तरह की स्थितियाँ थी उस टाइम में। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की वो स्थिति होगी। इस तरह से पेलियोबॉटनी, पैलेंटोलॉजी हम इसको कहते हैं, यानी कि पैलेंटोलॉजी इज मोर देन द स्टडी ऑफ डायनासोर, इट इज़ अबाउट द ऑल अबाउट द एंशियंट लाइफ, प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स एंड मैमल्स, फिश, इंसेक्ट, फंजाई और इवन माइक्रोब्स। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फॉसिल? द डेफिनेशन ऑफ ए फॉसिल इज द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ए प्रीहिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म, or is a slang for someone or something that is old and outdated. An example of a fossil is the preserved remains from a prehistoric organism that have been preserved inside rock.
What is the purpose of fossil? Fossils are also used to date sedimentary rocks. Some species with a broad distribution of on Earth and a short-term life are great indicators to identify certain geological periods. Finally, fossils show us the long history of life and past and current evolution process on the Earth. Then हम देखते हैं कि what are the characteristic fossil? Fossil are the preserved remains. और ट्रेसेज ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म. फॉसिल आर नॉट द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, दे आर द रॉक. ए फॉसिल कैन प्रिजर्व एन एंटायर ऑर्गेनिज्म और जस्ट पार्ट ऑफ देम. अभी इमेज भी आएगी बच्चों, तो वो राजा आपके समझ आएगा. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फॉसिल? फॉसिल से हम क्या सीख सकते हैं? बाई स्टडिंग द फॉसिल रिकॉर्ड वी कैन टेल हाउ लॉन्ग द लाइफ हैज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ एंड हाउ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स are related to each other. Often we can work out how and where they lived and use the information to find out about the ancient environment. जैसे अभी हमने उस वीडियो में भी देखा कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि एंशियंट एनवायरमेंट कैसा था. How is fossil formed? Fossils are formed in different way, but most of are formed when a plant or animal dies in a watery environment and is buried in a mud or silt. Soft tissues quickly decompose, leaving the hard bones or shells behind. Over time, sediments build up over the top and hardens into the rock. What is the fossil and why is it important? Fossil are the preserved remains or traces of animals, plants or other organisms from the past. Fossils are important evidence for evolution because they show that life on Earth was once different from the life found on Earth today. What is the definition of a fossil fuel? Fossil fuel, any of the class of hydrocarbon containing material of biological origin occurring within an earth crust that can be used as a source of energy. Fossil fuel. Non-renewable energy sources found from the remains of the plants and animals that lived millions of years ago. Remember, all living things are at least partially made of carbon. थ्री टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम जैसे लिक्विड में, नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में, और कोल यानी ये सॉलिड फॉर्म में. आप मैंने बच्चों इनका नाम सुना होगा, बीरबल साहनी. बीरबल साहनी ये तो FRSF फेलो रॉयल सोसाइटी. बीरबल साहनी वॉज एन इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट हु स्टडी द फॉसिल ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट. He also took an interest in the geology and archaeology. He founded the Birbal Sahani Institute of Paleobotany at Lucknow. ये इस तरह का इंस्टीट्यूट है बच्चों, कई बार एग्जाम में कंपटीशन में आपका आता भी है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, किस वैज्ञानिक के नाम पर स्थित है. तो ये बीरबल साहनी के नाम पर रखा गया है इस इंस्टीट्यूट का नाम, और यहाँ फॉसिल पर काफ़ी वर्क होता है. इस तरह से ये फॉसिल बच्चों ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आप क्रेटिस शेल में, ये ऐसे इस तरह की फॉर्म में ही है और आगे भी आएगा. ये है कॉमन फॉसिल फ्रॉम द डेवोनियन ऑफ वेस्टर्न न्यूयॉर्क, वहाँ से ये फॉसिल दिखाई दे रहे हैं. पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ ऑन जियोलॉजिकल पास्ट. द अर्थ हैज अंडरगोन लार्ज क्लाइमेटिक चेंजेज ओवर बिलियंस ऑफ इट्स जियोलॉजिकल पास्ट. During this period of drastic weather changes, most of the plants died and their remains were decomposed. However, a few plants which escaped decay and decomposition remains preserved. These preserved plant specimens are called as the plant fossil. Generally, only certain plants made up of hard tissue are preserved, while those made up of soft tissue get decomposed. The age of plants can be determined by using the radioactive elements like uranium 238, uranium 235, potassium 40, etc. The process of fossil formation is called fossilization. This has begun ever since decomposition of sedimentary rocks began. According to nature of fossilization, following types of the fossil are recognized. ये इस तरह से हम अगर इनकी systematic position देखेंगे fossils की, तो टेरिडोफाइटा में देखें तो ऐसे सब डिवीजन है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पनोप्सिडा और ये इनकी पोजिशन. राइनिया जो है ये साइलोप्सिडा में रखा गया है कैरेक्टर्स के बेसिस पे. होम्योफाइटोन भी इसमें रखा गया है, और लेपिडोडेंड्रोन जो है
वो लाइकोप्सिडा में रखा गया। कैलेमाइट्स जो है ये स्फिनोप्सिडा में इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर रखे गए हैं। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म में भी ऐसी स्थितियाँ हैं, जैसे विलियमसोनिया है तो मैंने टाइटेल्स में उसको रखा गया है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं कि टेडो के क्या कैरेक्टर होते हैं, साइलोफाइटा के क्या कैरेक्टर हैं। इस कैरेक्टर के आधार पर ही हमने इनमें राइनियल्सी में लिखा है और इसको साइलोफाइटेलीज में रखा है। ये ध्यान रखें, ये जैसे कैरेक्टर ये आ गए, स्पोरोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, स्पोरेंजिया जनरली बोन सिंगली, ये इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं इसके बेसिस पे इस ऑर्डर में रखा गया, और इन दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे राइनियसी में इसको रखा गया है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन जिम्नो में रहेगा, जो आपके नेक्स्ट ईयर में जिम्नो चलाएंगे जब वो बताएंगे। ये जियोलॉजिकल पीरियड दिखाया गया है बच्चों, बार बार इसका रेफरेंस आएगा कि क्या तो सीनोजोइक एरा है जिसका ये पीरियड है, क्वाटरनरी टर्शरी, देन मीजोजोइक जिसमें क्रिटेशियस जूरेसिक ट्रायसिक, इस वाली में यहाँ पर जो है ये जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट डोमिनेंट थे इस जगह पर, यानी कि मिडिल जूरेसिक के आसपास, और एंजियोस्पर्म ही यहाँ पर जाके इस जगह पर डोमिनेंट रहे, और इस वाली में टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट रहे, यानी कि इसके पहले वाली में, जिम्नो के पहले कार्बोनिफेरस फेज में। इस तरह से इनकी जियोलॉजिकल टाइम टेबल के हिसाब से कंपेरेटिव पोजीशन बैठती है। भूगर्भ में सुरक्षित छिपे पादप काल में दबे पौधों और जीव जंतुओं के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जीवाश्म कहे जाते हैं। इनके अध्ययन से आपको पृथ्वी के विकास के बारे में उचित जानकारी मिलती है। क्लियर। उस काल की वनस्पति के जलवायु एवं पर्यावरण को समझने में सहायता मिलती है। पादप एवं जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनमें हुए क्रमिक विकास को आसानी से समझ सकते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से वर्तमान में उपस्थित पादपों एवं जीव जंतुओं के फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण को समझने में सहायता मिलती है। धरती पर पादपों का इतिहास लगभग 1 अरब से भी अधिक पुराना है। जीवाश्म की उपस्थिति प्राचीन काल में पाए जाने वाले वनस्पति का प्रमाण उपलब्ध करवाती है। पेलियास एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन जीवाश्म वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अध्ययन के विज्ञान को पेलियंटोलॉजी कहते हैं, तथा प्राचीन जीवाश्मिक वनस्पति के अध्ययन को पुरा वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। भारत में डॉक्टर बीरबल साहनी, जैसा हमने बताया भी था आपको, बीरबल साहनी ने पुरा वनस्पति विज्ञान पर सराहनीय कार्य किया, अतः उसे फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कहते हैं। इसको याद रख लेना बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है ये। जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं, मुद्राश्म इम्प्रेशन, अश्मिभूताश्म पेट्रिफिकेशन, कंप्रेस्ड फॉसिल, ममीफाइड फॉसिल, अम्बेल, कोलबाल, इनक्रस्टेशन, स्यूडो फॉसिल, ट्रेस फॉसिल, ये इसी तरह से इनकी टाइप्स बताई गई है। इम्प्रेशन क्या है? इस प्रकार के जीवाश्म अवसादी चट्टानों पर संपूर्ण पादपों एवं उसके विभिन्न अंगों की छाप के रूप में परिरक्षित होते हैं। इनके द्वारा पादप के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। पेट्रिफिकेशन में क्या होता है? सबसे उत्तम प्रकार के फसल कहा जाता है जिसमें प्राचीन वनस्पति की बाह्य तथा आंतरिक आकारिकी का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। ये प्रकृति में बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म में वनस्पति में उपस्थित कार्बन पदार्थ पत्थर में रूपांतरित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जाता है कि इस प्रकार के जीवाश्म में औषधि चट्टानों के लंबवत दबाव पड़ने से पूर्व पौधा घुलनशील पदार्थ खनिज पदार्थ युक्त जल अंतःस्पंदन इन्फ्लेटेशन द्वारा अपने अंदर सोख लेता है। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, फॉस्फेट, आयरन, सिलिका आदि वनस्पतियों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे काफ़ी कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाता है तथा पूरी संरचना पथरीली हो जाती है। तीसरे प्रकार के कंप्रेशन वाले संपीड जीवा, इस प्रकार के जीवा सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसमें पादपों में विभिन्न अंगों के भाग भूगर्भ में औषधि चट्टानों से धंसने से परिरक्षित हो जाते हैं एवं औषधि चट्टानों के लंबवत दबाव डालने से पौधे या विभिन्न अंग चपटे हो जाते हैं। पादप के पतले अंग जैसे पत्तियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के जीवाश्मों में पादप की आंतरिक संरचना भी अपेक्षाकृत बाह्य संरचना का अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार के हैं
इनक्रस्टेशन। इस प्रकार के जीवाश्म सर्वाधिक पाए जाते हैं। वनस्पति के अंग रेत या कीचड़ से ढक जाते हों, जिसमें कुछ समय बाद उसमें उपस्थित वनस्पति पदार्थ संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है एवं एक गुहिका ही बची रहती है। इस प्रकार का जीवाश्म का लगभग संपूर्ण साचा किसी कठोर पदार्थ जैसे सैंडस्टोन, आयरन स्टोन में परिवर्तित हो जाता है। ममीफाइड प्लांट्स, ये जीवाश्म फॉसिल जीवा संघत जीवाश्म कहलाते हैं। ये कठोर फल, बीज या चर्मिल पत्तियों में रसायन अंतःस्पंदन द्वारा इसके भीतर प्रवेश गए, जिससे ये ममीकृत हो गए। अम्बेल, कोनिफर वृक्षों में पाए जाने वाले रेजिन नामक रसायन शंकुधारी वृक्षों से रिसकर वनों की भूमि में संचालित होकर दब गया था, जिससे उस समय में पाए गए अनेक सूक्ष्म जीव परिरक्षित हो गए। रेजिन में परिरक्षित सूक्ष्म जीवाश्मों को अम्बर जीवाश्म कहा जाता है। देन कोल बाल्स, ये वास्तव में पेट्रीफाइड पादप पदार्थों के सामुदायिक संगति है। ये कोयले में पाए जाते हैं, ये कोल बाल्स कहलाते हैं। अधिकतर कोल बाल्स कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिलते हैं। ये अनियमित गोलाकार, कुछ मिमी से लेकर 1 मीटर व्यास के अश्मीभूत कार्बन युक्त पादप अंग थे, जो कोयले के बीच में परिरक्षित हो गए थे। स्यूडो फॉसिल, कभी कभी खनिज पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के कारण कुछ आकृतियां दबी हुई चट्टानों की परतों में पादप अंगों या जीव आकृति की समान दिखाते हैं। इसका वित्तीय अध्ययन से पता चला कि वास्तव में पादप और जीव जंतु के जीवाश्म नहीं है, अतः इसे आभासी फॉसिल कहा गया। इस तरह से ये फॉसल फॉसिल इन्वर्टिब्रेट्स दिख रहे हैं बच्चों, इसमें ये इस तरह से फॉसिलिफाइड प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट लाइफ दिख रही है फॉसिल प्लांट की, इसमें प्रतीक का दिख रहा है। इसी तरह से फॉसिल प्लांट से दिख रहे हैं, आप इनके शेप से भी देख सकते हैं किस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए पूरा पत्ती का पूरा शेप आ रहा है। आगे क्लास में बच्चों ये बुक्स आपको पढ़नी रहेगी। सिंह पांडे, जैन, बीपी पांडे, गांगुली कार, इस तरह से ये टेडो के लिए ये रशीद की है, जिम्नो की भी उनकी आती है, टिशू कल्चर स्टडीज में दे रखी है, और ये बाकी हिंदी बुक्स आपके पास में है ही। थैंक यू।